आज मैं बना रही हूँ स्पेशल वेज पुलाव मिट्टी के हांडी में। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी खाने में। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बने हैं। इस पुलाव का स्पेशलिटी है इसके एरोमा। साथ में शेयर करूंगी पुलाव के लिए जरूरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चावल ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कप बासमती चावल लिया है। आप कोई भी ब्रांड का चावल ले सकते हैं। तो दो से तीन बार चावल को अच्छे से धो लेना है। इसे बहुत ज़्यादा रब करके नहीं धोना है, हल्के हाथों से इसे धोना है। अभी इसे हम 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे और इस दौरान हम पुलाव के लिए सब्जी काट के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक गाजर को छोटे पीसेस में काट लिया है। उसी के साथ थोड़ा सा गोभी लिया है, इसे मैंने फ्लोरेट्स में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। आप अपने पसंद अनुसार पुलाव के लिए सब्जियाँ ले सकते हैं। उसी के साथ लिया है थोड़ा सा फ्रेंच बीन्स। इसके दोनों एंड्स को काट के फेंक देंगे और इस तरह से इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न मटर था, तो लगभग एक कप के करीब फ्रोज़न मटर हम एक बोल में डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान ये बढ़िया सेट हो जाएगा। मटर इसमें ऑप्शनल है, पर मटर से पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं खाने में। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर नहीं है तो आप मटर को स्किप कर सकते हैं। इस पुलाव के लिए यहाँ मैंने 150 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। तो इसमें हम एक पिंच हल्दी और एक पिंच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के पनीर को हल्के हाथों से कोट कर देते हैं। इससे पनीर को जब हम फ्राई करेंगे ना, तो पनीर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से पनीर में मसाले को कोट कर देना है। तो आज हम ये पुलाव को मिट्टी के हांडी में बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम कढ़ाई में, पैन में, प्रेशर कुकर में पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम मिट्टी के हांडी में पुलाव बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पर गैस पे मैंने हांडी को चढ़ा दिया है। तो इसे थोड़ा सा हीट करके अब इसमें एक टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही घी गर्म हो जाए, इसमें हम सारे पनीर के पीसेस रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से पनीर को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद पनीर को इस तरह से पलट देना है और दूसरे साइड को फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से उलट पलट कर पनीर को दोनों साइड से एकदम लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। इससे ज़्यादा पनीर को और नहीं फ्राई करना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। तो पनीर को एक प्लेट में निकाल लेना है। आप उसी बची हुई घी में थोड़ा सा काजू और किशमिश को फ्राई कर लेंगे। काजू और किशमिश ऑप्शनल है, पर इससे पुलाव खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो इनको भी हमें एकदम लाइट गोल्डन करके भून लेना है। तो काजू किशमिश हमारा फ्राई हो चुका है, इन्हें भी सेम प्लेट में निकाल ले। तो उस बची हुई घी में हम थोड़ा सा खड़े गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ मैंने लिया है 3-4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री लिया है, 7-8 साबुत काले मिर्च। उसी के साथ 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 2 तेज पत्ता डाल देंगे। तो मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स भून लेना है। जब मसाले से बढ़िया खुशबू आ जाए, तब इसमें 1 टेबलस्पून घिसा हुआ अदरक डाल देना है। उसी के साथ 1/4 टीस्पून हींग डाल दिया है और अदरक को मसाले के साथ कुछ सेकेंड स्टर कर लेना है। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहते हो तो एक प्याज को लंबे स्लाइसेस में काट के 2 मिनट लाइट गोल्डन करके भून ले। अदरवाइज इसे इस तरह से भी बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी खाने में। और जिन लोग प्याज नहीं खाते हैं, उसके लिए ये पुलाव बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी डाल दिया है। तो सब्जी को हमें कुछ देर भून लेना है। पहले आलू और गोभी को भूनेंगे। तो अभी हम इसे ढक के भूनते हैं। अगर आप सब्जी को ढक के भूनेंगे ना, तो सब्जी जल्दी और बहुत ही बढ़िया भून के तैयार होंगे। 2-3 मिनट बाद ढक्कन खोलकर आप देख सकते हैं आलू और गोभी को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। फिर इसमें हम कटा हुआ गाजर, बीन्स डाल देंगे। गाजर और बीन्स को हमें बाकी सब्जियों के साथ और 2 मिनट भून लेना है।
तो एकदम लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें भून ले। ये पुलाव को हम बहुत ही कम घी में बना रहे हैं ताकि ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बने। 2 मिनट बाद ये देखिए सब्जियों को मैंने बढ़िया भून लिया है। इससे ज़्यादा इन्हें और ना भुने। भीगे हुए चावल को डाल देते हैं। चावल के साथ पानी ना डालें। उसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 स्लीट किए हुए हरी मिर्च डाला है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पे हम फ्रोज़न मटर डाल देंगे जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। तो ये फ्रोज़न मटर है तो इसीलिए इसे बाद में डालना है। ये जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना ये ऑलरेडी पके हुए होते हैं तो इसीलिए आपको इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस चावल के साथ इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसे बाकी सब्जियों के साथ एक साथ भून लें। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस टाइम पे चावल को एकदम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भून लेना है। इससे क्या होगा, इससे चावल हमारा एकदम खिला खिला बनेगा। पर हल्के हाथों से इसे स्टार करते रहना है। ये देखिए चावल को मैंने 2 मिनट भून लिया है। अभी इसमें फ्राइड पनीर और फ्राइड काजू किशमिश डाल देते हैं। उसी के साथ यहाँ पर हम 2 कप पानी डाल देंगे। चावल मैंने लिया है 1 कप तो उसके हिसाब से 2 कप पानी डालना है। कढ़ाई में पैन में या हांडी में 1 कप चावल के लिए आपको 2 कप पानी लेना है। ये मेज़रमेंट आप ध्यान में रखें। इससे चावल आपका एकदम खिला खिला बनेगा। पानी डालकर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और हल्का सा इसे मिक्स कर लें। जिस कप या कटोरी से आप चावल को मापेंगे ना ठीक उसी कप या कटोरी से आप पानी को भी माप लें। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे कवर करके पुलाव को हमें 8 मिनट पका लेना है। ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट। मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट पकाने के बाद ढक्कन खोलेंगे। आप गैस को एकदम लो पे कर दे। आप इसमें 1 टीस्पून स्पेशल गरम मसाला ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी जावित्री, जायफल और 2 छोटी इलायची को मिक्सर में पीस लिया है। साथ ही में 1/2 टीस्पून गुलाब जल ऐड कर देते हैं। गुलाब जल इसमें ऑप्शनल है। गुलाब जल एक बढ़िया एरोमेटिक फ्लेवर देगा पुलाव में जिससे ये शाही पुलाव बन जाएगा। उसी के साथ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दे और 1/2 टीस्पून घी डाल दिया है। अब हल्का सा इसे मिक्स करके ढक्कन लगा के एकदम लो फ्लेम पे और 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ मसालों से बनी हुई ये बहुत डिलीशियस और फ्लेवरफुल पुलाव को आप झटपट अपने लंच या डिनर में बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पे और 5 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे। अभी ढक्कन नहीं खोलेंगे। अभी इसे दम पे 10 मिनट पका लेंगे। तो फाइनली 10 मिनट बाद पुलाव को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पुलाव हमारा परफेक्टली पक गया है। चावल एकदम खिला खिला है और नीचे एक बूंद भी पानी नहीं है। तो साइड से हल्के से इसे चेक करना है। इस पुलाव को आप अपने मनपसंद की कोई भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। तो आप इस स्पेशल वेज पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू। टेक केयर।